आपका लविंग गार्डन पर स्वागत है। तो आप मेरे सामने ये प्लांट देख रहे हैं, संग ऑफ इंडिया का प्लांट है। संग ऑफ इंडिया बोलते हैं इस प्लांट को। तो देखिए, छोटे से डब्बे में ही, प्लास्टिक के वेस्ट डब्बा जो मेरे पास पड़ा हुआ था, ये इसी में ही मैंने इस प्लांट की ये कटिंग लगाई थी। और इस कटिंग से ही मैंने सिर्फ एक कटिंग इस प्लांट की लगाई थी, और इसके पास से देखिए चार प्लांट्स, इसके बेबी प्लांट्स इसके साइड में निकल गए हैं। तो अभी मुझे लग रहा है इस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो क्यों, देखिए नई नई लीव्स इसमें निकल रही हैं, तो ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये पोट इसके लिए छोटा पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पोट इसके लिए छोटा हो गया है। तो अब मैं इस प्लांट को अपने रिपोर्ट करूंगी। अच्छा प्लांट होता है, बहुत संग ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं इसे, और सेड लविंग प्लांट होता है। आप इंडोर इसे कहीं भी रख सकते हैं, जहां पर आपको सिर्फ हल्की सी रोशनी दिखाई देती है उस जगह पर आप इसे रख सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है प्लांट, और कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इसकी ये कटिंग ही लगाई हुई है। तो अभी जो मैंने इसके लिए पोट लिया है, इसमें पहले से एक प्लांट लगा हुआ था, उसी में से मैंने इसे खाली किया है पोट को। तो अभी मैंने जो इसके लिए ये लिया है पोट, इसमें देखिए आप ये होल दिखाई दे रहा है। तो पोट में जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि ड्रेनेज होल आपके पोट का कैसा है। आपके पोट का ड्रेनेज होल सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो देखिए इसमें कितना बड़ा अच्छा होल हो रखा है। तो सबसे पहले हमें इस होल पे एक ठीकरी रख देनी है, तो ताकि सोइल बाहर ना निकले, सिर्फ पानी ही बाहर निकले इस तरीके से। तो ये मैंने इसके ऊपर एक ठिकरी रख दी है। अब जो मैंने इसके लिए सोइल तैयार की है, तो ये देखिए, ये सोइल सिर्फ गोबर की खाद और सोइल है। नॉर्मल सोइल जो हमारी गार्डन की होती है वही है, सोइल और गोबर की खाद। तो इस पोट में हम इसे अब भर लेते हैं। ये प्लांट हमारा संग ऑफ इंडिया कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, और छाँव में भी आप इसे छाँव में रख सकते हैं, बहुत अच्छा प्लांट होता है। तो सोइल तो मैंने इसमें भर लिया है पोट में। अब हम अपने इस प्लांट को निकाल के देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। इस तरीके से निकाल लेती हूँ मैं इसे। तो ये मैंने इसमें से निकाल लिया है, और देखिए कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। कितनी अच्छी रूट्स इसकी बनी हुई हैं, कटिंग से तैयार किया हुआ है देखिए। तो अब हम इसे अपने प्लांट को पोट में लगा देंगे। ये कटिंग इसकी टूट गई है, कोई नहीं, ये भी मैं इसी के साथ ही लगा दूंगी। इसी की भी रूट फिर से निकल जाएंगी यहाँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। बहुत इसमें लगा के चारों साइड से हम इसमें सोइल भर देंगे, और इसमें थोड़ी सी मैं नीम खली भी ऐड करूँगी ये, क्योंकि अभी प्लांट्स को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट्स को ये लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, तो कहीं हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मैंने इसमें नीम खली ऐड कर दिया। नीम खली से हमारे प्लांट को फंगस में नहीं लगता है, और अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में भी अच्छा काम करता है इस तरीके से। तो ये हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें सिर्फ साइडों में थोड़ी सोइल डालनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, प्लांट हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब क्योंकि इंडोर प्लांट है, तो हम इसे इंडोर ही रखेंगे, धूप में तो रखेंगे नहीं। तो अब मैं इसे छाया वाली जगह पर ही रख दूंगी। कटिंग से देखिए बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, और कितना अच्छा तैयार हो चुका है, और रिपोर्टिंग भी हो गई है। अब इसकी ग्रोथ इस पोट में अच्छी होगी, क्योंकि अब इसे थोड़ी इसकी जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी। वो पोट इसके लिए छोटा पड़ चुका था, इसलिए इसे फैलने की अच्छे से इसकी जड़ों को जगह नहीं मिल पा रही थी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।